के विषय में मैं चाहूंगी कि सत्य का अन्वेषण, इस विषय पर खासकर बात करूं, क्योंकि बहुत लोगों ने इस पर लिखा है, इन द सर्च ऑफ ट्रूथ, और बहुत से लोग सोचते रहे हैं कि इस मामले में कुछ करना चाहिए, कि सत्य को खोज निकालना है, हर एक चीज का सत्य निकालना चाहिए। अब जब मानव दशा में मनुष्य रहता है तो उसकी ऐसी स्थिति होती है कि वो सिर्फ बुद्धि के माध्यम से ही सत्य को खोजता है और उसके पास कोई माध्यम नहीं। जैसे कि साइंस की उपलब्धि जो भी है, ये हमें सिर्फ बुद्धि के ही माध्यम से हुई है, लेकिन बुद्धि जो है वो दृश्य जो संसार में चीज है उसी के बारे में बातचीत कर सकते, जो अदृश्य है उसे नहीं बता सकते, और सत्य और अदृश्य में क्या अंतर है ये भी नहीं बता सकते। तब पहले ये सोचना चाहिए कि जब सत्य की खोज की इंसान बात करता है तो सर्वप्रथम उसको यही विचार बनता होगा कि जो कुछ हमने बुद्धि से जाना तो कुछ भी नहीं जाना, तो भी हम भ्रम में बने रहे। बुद्धि से जानी हुई बात जितनी भी हमने आज तक जानी है उससे इतना जरूर हुआ जो दृश्य में है उसे हमने ज्ञात कर लिया, लेकिन जो कुछ अदृश्य में है वो भी नहीं जाना, और ये भी नहीं जान पाए कि वाकई जो हमने दृश्य में जाना है ये परम सत्य है या नहीं। अब साइंस की उपलब्धि जब हमें हुई है तो साइंस में हम अग्रसर हुए, साइंस में हमने बहुत सारी बातें जानी, अणु परमाणु तक हम पहुंच, गतिविधियों को जो समझा है वो भी सब कुछ, जो कुछ भी जड़ है उसके बारे में, जीवन कार्य किस तरह से होता है संसार में, इसकी और किसी की भी दृष्टि नहीं। सत्य के अन्वेषण में सबसे प्रथम बात ये सोचनी चाहिए कि जो कुछ मनुष्य कर सकता है उससे परे कोई सृष्टि है या नहीं। जैसे कि जीवंत वस्तु को हम देखते हैं, मनुष्य का चलना टहलना, उसका बढ़ना उत्तीर्णत होना सब कुछ देखते हैं, लेकिन हम इस ओर नजर नहीं करते, इस तरफ हमारी दृष्टि नहीं पड़ पाती है कि ये आदमी बनाया गया है सो क्यों। पहली बात क्योंकि उसका उत्तर हमारे पास नहीं। मनुष्य की विशेषता ये है कि जिसका उसके पास उत्तर नहीं उधर से मुंह मोड़ लेता और कहता है कि जिसका हम उत्तर दे सकते हैं वहीं तक हम रहेंगे, उससे परे जाना भी वो सोचता है कि गलत बात हो जाए। लेकिन मनुष्य संसार में आया, साइंस ने बताया कि एक अमीबा से ही मनुष्य बना है, तो हठात दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ये इस तरह की जो विशेष चीज की घटनाएं घटित हुई और जिसकी वजह से ये मनुष्य सृजित हुआ, बनाया गया, उत्क्रांत हुआ, तो इसकी कोई न कोई वजह जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जिस शक्ति ने इसे बनाया है उसने कुछ सोचकर ही बनाया है, और अगर नहीं सोचकर बनाया तो भी वो कोई शक्ति तो होनी ही चाहिए जिसने इसे बनाया। तो ये शक्ति क्या है, क्योंकि हमारी दृष्टि ऐसी होती है कि मनुष्य जो है वो खोज सकता है, पहले तो हमने बाकी सब चीज को खत्म कर दिया, निगेट कर दिया, हम खोज सकते, हम देख सकते, हम जान सकते, इसलिए हम साइंस की ओर दृष्टि यही करते हैं कि हम साइंस से पहचान सकते हैं, हम इसको जान सकते हैं, उस चीज को हम पहचान सकते हैं। इस तरह का जब भाव आ गया और दूसरी सब चीजें खत्म हो गई, तब फिर मनुष्य अपने से जो परे है उस चीज को कैसे जान सके, जब वो अपने ही जानने की बात पर अभी तक उतरा नहीं। जो अपने से निम्न है, जो अपने से हम कार्यान्वित कर सकते हैं, जिसको हम अपने हाथ में ले सकते हैं, वो तो हमसे निम्न ही हुआ, क्योंकि जिसपे हम हाथ लगा सकते हैं वो हमसे निम्न होना चाहिए, नहीं तो हम उसे हाथ कैसे लगा रहे। जैसे इस मकान को बनाना है, ठीक है, पत्थर है, मिट्टी है, ये सब हमसे निम्न है, जड़ वस्तु, इसको हम बना सकते हैं,
मनुष्य की दृष्टि वहां तक पहुंचती कि भाई हम इसे बना रहे तो इसे हमने बनाया और हम बहुत ऊंचे इंसान हो गए, यहाँ हमने बड़ा भारी काम कर दिया। लेकिन इसमें का एक पत्थर भी इंसान नहीं बना, एक अणु रेणु कुछ भी नहीं बना। थोड़े नम्रता पूर्वक मनुष्य सोचे कि क्या मैं ये पत्थर स्वयं बना सकता हूं? जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से मैं एक भी एलिमेंट खुद बना सकता हूं? उसकी वैलेंसी आदि इस कदर सुंदरता से बनी हुई है, क्या मैं ऐसी कोई रचना कर सकता हूं? ये तो ठीक है, मरी हुई चीज को जोड़ दिया, लेकिन उनकी रचना में आप कुछ भी इंटरफेरेंस कर सकते हैं? उसमें कोई आपका हस्तक्षेप हो सकता है? नहीं हो सकता। आप कोई चीज उसमें की बदल नहीं, वो जैसी है वैसी। आप उसके कंपाउंड बना सकते हैं, मिक्सचर्स बना सकते हैं, लेकिन अगर सल्फर को जलाया जाए और उसके क्रिस्टल बनाइए तो उसी ढंग के बनेंगे जैसे सल्फर के। आप अगर चाहें कि हम अपनी तरह के क्रिस्टल बनाएं तो वो तक आप नहीं बना, उसकी जो प्रॉपर्टीज है उस पर आपका हस्तक्षेप नहीं। हाँ, उन प्रॉपर्टीज को आप इस्तेमाल कर सकते, लेकिन उनकी जो बुनियादी फंडामेंटल जो प्रॉपर्टीज है उसको आप नहीं बना सकते। तो ये किसने बनाया और ये किसकी शक्ति में है कि जो इसे बदल सकता है? इधर भी एक दृष्टिक्षेप होना चाहिए। अंधेरे में रह करके आप ये कहें कि उजारा नहीं है तो ये तो बात गलत है, लेकिन अगर कोई कहता कि उजारा है तो कोई साइंटिस्ट हो, कोई भी बुद्धिजीवी आदमी हो, उसको कहना चाहिए कि अगर उजियारा है तो देखना चाहिए। कुतूहल तो होना ही चाहिए, मनुष्य के मन में कुतूहल होना चाहिए कि आखिर ये अगर कह रहा है कि इसके परे कोई प्रकाश है तो क्यों ना देखा जाए। लेकिन इस तरह से हम अपने ही से प्रभावित हैं, और तो हिप्नोसिस में इतने ज्यादा हैं कि हम सोचते हैं जिस पर हम हाथ चला सकते हैं वही चीज सत्य है, और जिस पर हम हाथ नहीं चला सकते उधर देखने की जरूरत। इस तरह से हम सत्य से कितने दूर हैं समझ सकते हैं कि उसके तो हमने मूलभूत चीजों को ही छुआ नहीं। पहला प्रश्न ये, सृष्टि रची तो रचाई किसने, और इस सृष्टि के अणु रेणु परमाणु जितने भी हैं उसमें इतनी सुंदर व्यवस्था किसने की, उनको इतने व्यवस्थित रूप से किसने बनाया, ये व्यवस्थापक कौन? एक चीज कह सकते हैं कि ईमानदार हैं लोग कि कहते हैं कि हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते तो हम यही करते हैं, पर अगर हम कहते हैं आप बढ़ सकते हैं, इससे आगे आप जा सकते हैं, और इससे आगे एक प्रांगण और भी है, डायनेमिक डायमेंशन और भी है, तो क्यों ना अपनी आंख खोलें? सिर्फ हमारे पास एक अहंकार मात्र कि हमने ये किया, हमने ये पता लगाया, हमारे पास ये है वो है, लेकिन जो भी है वो आपसे निम्न ही है। अगर आपको ऊपर उठना है कहीं भी तो ऊपर की चीज पकड़ लो, कहीं भी चढ़ना होता है। आपने देखा होगा कि जब लोग किसी बड़े पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो वहां पर ऊपर पहले कील ठोकते हैं, इसी को आप साइंस में हाइपोथेसिस आदि कहते हैं कि चाहे एक धारणा बना ले, उस धारणा की कील ठोक दी, फिर उस कील को पकड़ के आप ऊंचे उठ गए और फिर उससे आगे जाके देखा कि क्या वास्तविक एक कील ठोकी है या नहीं, वहां पर हम पहुंचे हैं या नहीं। ये यथार्थ में पहुंच के ही मनुष्य देख सकते हैं, लेकिन एकदम मुंह मोड़ लेने से ये काम नहीं। अब अगर हम ये कहें कि जो बड़े बड़े संत साधु, जो बड़े बड़े यहाँ पर अवतार हो गए हैं इस अपने भारत वर्ष में, जिन्होंने बड़े बड़े महान कार्य किए, जिनको आज तक संसार पूछ रहा है और मान रहा है, ये लोग झूठ नहीं बोलते थे? तो आप कहेंगे कि हाँ झूठ बोलते थे, इसका क्या प्रूफ? अगर आप कहें तो हम आपके हाथ नहीं पकड़ सकते ना, परमात्मा है या नहीं ये भी अगर आप वाद विवाद उठे तो हम नहीं पकड़े।
लेकिन अगर हम कहें कि इसकी हम सिद्धता आपको दे सकते हैं, तो क्यों ना उस तरफ हम आगे बढ़े। अगर सत्य के आप पुजारी हैं और सत्य को आप जानना चाहते हैं, अगर कोई कहता है कि इसमें आप अग्रसर हो सकते हैं, इतना ही नहीं पर उस सत्य को आप पूरी तरह से जान सकते हैं, तो क्यों ना हम इसे अत्यंत नम्रतापूर्वक स्वीकार करें कि चले भाई कौन सा वो मार्ग माँ बता रही है, देखे तो सही है भी कि अभी तक मान लिया कि ये चीज जागतिक नहीं थी, सामूहिक नहीं थी और लोग बहुत थोड़े इस बारे में जानते थे, इसलिए गलत फहमियां हो गई। लेकिन जिस तरह साइंस की चीजें, बिजली आदि चीजें जितनी भी अन्वेषित है, ये जिस तरह आज सामूहिक है और जागतिक है और सर्वहित के लिए उपयोग में लाई जाती, ऐसी अगर चीज अगर कोई कहे कि आपके अंदर बसी हुई है, तो उस पर शंका कुशंका करना भी तो मेरे ख्याल से कोई बड़ा साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होता। जबकि मनुष्य किसी चीज को एकदम ही मना कर दे और कहे कि नहीं ये बात है ही नहीं, अपने से ऊपर की चीज को जब पाना है, तब जो चीजें आज तक हमने इस्तेमाल करी अपने से नीचे वाली चीजों को पाने के लिए और हस्तगत करने के लिए, इतना ही नहीं उनका अधिकार जमाने के लिए, उस चीज का उपयोग छोड़ देना पड़ेगा। जैसे कि दिल्ली में घूमना है तो मोटर ठीक है, लेकिन ऊपर जाना तो वायुयान चाहिए, उसकी गति भी अलग होती है, उसका तौर तरीका अलग होता है, उसके सारे प्रकल्प अलग होते हैं। मोटर की जो है वो चीज और है, वो जमीन पर चलती है और ये आकाश में उड़ने वाला वायु। इसी प्रकार जब आपके लिए मैं कह रही हूँ कि आपको आत्मा को जानना होगा, आत्मा को इस्तेमाल करना होगा, आत्मा ही के सहारे आप परमात्मा को जान सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो बुद्धि के सहारे सारे संसार को आप समझते हैं, आपने जान लिया है, तो उससे परे कोई चीज आपको पानी पड़ेगी, वो है आत्मा। साइंस में अगर आत्मा का उल्लेख नहीं है तो इतना ही कहना चाहिए कि आप अभी तक साइंस उस ओर बढ़ नहीं पा, वो कभी जान भी नहीं पाए, क्योंकि जिस मर्यादित क्षेत्र से आप उसे जानना चाहते हैं उससे वो परे, उससे आप देख ही नहीं पाए, उसका रेंज जो है वही नहीं है कि वो उसको जान पाए। सो इस मशीनरी का जो रेंज है वो बढ़ाना पड़ेगा, और उस रेंज को बढ़ाते वक्त अगर हम कहें कि इसमें आत्मा की दृष्टि जब तक नहीं आएगी तब तक कार्य नहीं हो सकता, तो आपको मान्य करना चाहिए कि वो हमें प्राप्त हो। जैसे हम देखते हैं एक साहब के पास बड़ा अच्छा माइक्रोस्कोप, उससे वो देखता है कि हर एक पेशियां कैसी हैं और उसमें रक्त का चलन वलन कैसा है, ये सब हम देखते रहते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि दूसरे आदमी के पास कोई अच्छी मशीन है इससे भी ज्यादा, तो हम चाहते हैं कि किसी तरह से इसे पा ले, हस्तगत कर ले। उसी प्रकार अगर एक मनुष्य देखता है कि दूसरे आदमी के पास कोई विशेष चीज है, उसको इच्छा यही होनी चाहिए कि उस विशेष चीज को हम पा लें, लेकिन होता है। आत्मा के बारे में ऐसा नहीं, क्योंकि मनुष्य यही जानना चाहता है कि जो आज मैं हूं इसी से मुझे सब मिलना चाहिए और इससे आगे मैं उठू, माने ये मेरे साथ अपना ही अनादर है। साइंस के मामले में ऐसा नहीं सोचता, साइंस के मामले में अमेरिका ने कुछ अन्वेषण किया तो वहां भागा जाए, तब नहीं सोचता कि हम हिंदुस्तानी हम क्यों उनके पीछे भाग, कुछ घर रशिया ने किया तो उसके पीछे भागा जाएगा। लेकिन कुछ घर अन्वेषण और किसी प्रांगण में हुआ तो उसके और मनुष्य की रुचि नहीं होती, बाहर के पेड़ के बारे में मनुष्य सब जानता है लेकिन इसके मूल के बारे में कुछ नहीं जानता, और उसके मूल को जानने के लिए आपको सूक्ष्म होना पड़ेगा, और वो सूक्ष्मता आपको पाने के लिए नम्रता चाहिए। अगर आप चाहें कि अपने बुद्धि के दम पर आप उसे पाने तो नहीं पा, ये एक सीधी बात लोगों के समझ में नहीं आती है। जब भी मैं भाषण आदि देती हूँ कुछ भी, तो मैं देखती हूँ पहला प्रश्न होता कि फलानी किताब में ऐसा लिखा है, हो गया बात क्या करें, बस भाई जो भी लिखा है वो आपके बुद्धि से तो आकलन नहीं होने वाला, उसको आप नहीं समझ पाए। हम कह रहे हैं
कि नहीं समझ पाए, तो समझ लीजिए बगैर चश्मे के हमें नहीं दिखाई देता, तो बाह में चश्मा लगाना जरूरी है, ये तो बात हमारे समझ में आती। और अगर आत्मा के सिवा हम परमात्मा को नहीं समझ पाते तो आत्मा को पाना चाहिए, सीधी सादी बात क्यों नहीं समझ में आनी चाहिए? उसमें शंका को शंका करने से क्या आप सत्य को खोज पाएंगे? अगर आप वास्तव में सत्य को पुजारी हैं और वाकई आप सत्य को जानना चाहते हैं, सबसे पहले नम्रता होनी चाहिए कि अभी तक हमने सत्य को पाया नहीं है। ये बहुत बड़ा गुण है नम्रता। मनुष्य कुछ भी सीख लेता है लेकिन नम्रता नहीं सीख पाता। नम्रता में आप करते क्या है? कुछ किसी लोगों को ऐसा विचार आता है कि नम्र होने का मतलब है आप किसी के आगे झुक गए। ये बहुत गलत फहमी है। नम्रता का मतलब होता है कि आपने अपने को खोल दिया है कि स्वीकार करें, कोई नई विचारधारा को स्वीकार करें, कोई नई बात को आप स्वीकार करें, देखे परखे समझे इसमें उतरे। नम्रता का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि आप किसी के आगे झुक जाएं। जैसे कि पेड़ की शाखाएं कितनी भी ऊंची उठ जाए, जब तक उसकी जड़ें नीचे तक जमीन खोद करके स्रोत तक नहीं पहुंच जाए, उस पेड़ में कोई सी भी शक्ति नहीं आ सकती। उसी प्रकार आपके कितनी भी सभ्यता बढ़ जाए और कितना भी ये साइंस का झमेला बढ़ जाए, लेकिन जब तक आपने अपनी आत्मा को नहीं खोजा, ये सारा के सारा जो है बिल्कुल एक बबुले जैसा नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, इसमें से कुछ भी नहीं बचता। अब वही हो रहा संसार भर में, यही हो रहा। अभी एक देवी जी मुझे मिली, कहने लगी कि हम आर्मामेंट के डिसआर्मामेंट के लिए गए, इतनी मेहनत करी, लोगों से कहा डिसआर्मामेंट करिए और डिसआर्मामेंट करने से और ठीक हो जाएगा, और बड़े झगड़े हुए और 4 महीने हमने वहां मेहनत करी और किसी ने कोई बात नहीं मानी और वी वर ग्रेट फेलियर्स। बताइए, इसका मतलब है कि मनुष्य की बुद्धि ही बिल्कुल उसको छुट्टी दे गई। डिसआर्मामेंट होना चाहिए। एक सर्वसाधारण मनुष्य समझ सकता है कि मनुष्य मनुष्य को मारते फिरे, इसकी क्या जरूरत? एक आदमी छोड़ करके कोई सा भी जानवर हाथ में आर्म्स लेके आपस में मारता है, उसको पकड़ने की शक्ति नहीं है। भगवान ने हमको हाथ दे दिए तो अब उसमें हम बंदूकें लेकर दूसरों को मारते हैं। ये बड़ी अकल की बात है। इसका इलाज साइंस तो नहीं कर सकती, कर सकती है लोगों के अंदर सुबुद्धि भरने का इलाज अगर साइंस वाले कर दें तो हम मान जाए। किसी के अंदर भी सुज्ञता नहीं आ सकती साइंस, चाहे वो बनाना चाहे तो एटम बॉम्ब बना दे और चाहे वो तो एक आधा अच्छा अस्पताल भी बना सकता, पर ये चाहने पर है। ये कोई अचल चीज नहीं है, ये चलायमान है। आज वो बड़ा अस्पताल बनाएगा, बड़ा भारी एक रुग्णालय बनाएगा, वहां हजारों लोगों को वो ठीक करेगा और उसके बाद एक दिन अकस्मात उसी पे बॉम्ब गिरा के उसका सर्वनाश भी कर सकता। कोई आप उसकी गारंटी नहीं दे सकते। क्या साइंस इसकी गारंटी देता है कि जो आदमी आज साइंस की वजह से अच्छा काम कर रहा है कल उसका विध्वंस नहीं करेगा? मनुष्य की कोई गारंटी आप दे सकते हैं क्या साइंस? जब साइंस इतना अधूरा पड़ा हुआ है तब ये देखना चाहिए इसका जो प्रकाश है वो इतना धुंधला है। इसके प्रकाश में इंसान कभी तो डगर पे खड़ा नजर आता है और कभी खाई में गिर जाता है, ऐसा। और जब तक मनुष्य समर्थ नहीं होता है, जब तक मनुष्य में सत्य की प्रेरणा पलवती नहीं होती है, तब तक आप चाहे दुनिया का कोई सा सोशल वर्क, पॉलिटिकल वर्क, कोई सा भी बुद्धि से कर लीजिए, उसका कोई भी ठिकाना नहीं। आज आप आसमान में बैठेंगे, कल आप नदी में डूबेंगे, क्योंकि साइंस किसी भी मनुष्य को समर्थ नहीं बना।
और बना नहीं। अहंकार से मनुष्य कभी भी समर्थ नहीं हो सकता। सम अर्थ सो इस नतीजे पे हमको लॉजिकल कंक्लूजन जिसे कहते हैं पहुंचना चाहिए और सोचना चाहिए कि सिर्फ बुद्धि से हम सत्य को नहीं खोज सकते। बुद्धि से बता सकते हैं यहाँ सफेद चादर बिछी है, खादी की चादर है, बस और क्या, और कहां तक जाएंगे। लेकिन क्या आप इस खादी की चादर में बता सकते हैं कि क्या इसे एक साधु ने पहना था या किसी राक्षस ने पहना था? साइंस से तो आप ये भी नहीं बता सकते ये इंसान राक्षस है कि मनुष्य है, और ये भी नहीं कह सकते कि आज तो मनुष्य लग रहा है कल भूत बन के सर पे सवार हो जाए तो पता नहीं। किसी चीज का कोई ठिकाना नहीं, सब चीज चलायमान है, अस्थिर है। इसीलिए आज कल युग में कहते हैं कि पूर्णतया मनुष्य भ्रांति में, कंफ्यूजन। और इस कोलाहल में मनुष्य जब सोचता है कि अरे भाई ये तो आज कलयुग आ गया, अब इसमें माता जी क्या बात कर रहे, अब तो कलयुग में ऐसा ही होता है, तो कलयुग है, उन्हें एक गारंटी हो गई हर चीज से, अब कलयुग है, अब इसमें अगर ये काम नहीं करी तो कैसे होगा, तो करना ही पड़ेगा, ये तो कलयुग आ गया। इसमें जो है अगर इस रास्ते से नहीं चले तो काम ही नहीं बनने वाला, यही रास्ता है, कलयुग है। कलयुग में आप कैसे भी मुड़ते रहिए, अपने रास्ते किधर से चलिए, किसी तरह से आप दाएं बाएं घूमते रहिए, किसी तरह से आप जीते रहिए, ऐसा मनुष्य कॉम्प्रोमाइज पे रहता है। क्योंकि स्थिर जो मूल्य थे वो खत्म हो जाते हैं। जब मनुष्य भ्रांत हो जाता है उसके स्थिर मूल्य जरूर खत्म हो जाते। जब युद्ध ने ललकारा और जब यूरोपीय देशों में युद्ध छा गया, जब लोगों की इतनी दुर्दशा हो गई, तो वहां के जो मूल्य थे वो बहुत कम खत्म हो गए, करीबन खत्म से। क्योंकि जब सभी चीज डगमग डोलने लग गई तब लोगों को समझ में नहीं आया कि अब किस चीज को पकड़े, इस चीज को पकड़े तो ये डगडगा रही, उस चीज को पकड़े तो वो डगडगा रही। लेकिन तब ये विचार मनुष्य के मन में आना चाहिए कि हो सकता है कि हमने उस चीज को पकड़ा ही नहीं जो स्थिर और अचल है। ऐसा मन में विचार तो उठना ही चाहिए, हर एक बुद्धिवादी के मन में ये विचार तो उठना ही चाहिए। और ये सब देखते हुए मनुष्य का मन कटुता से भर जाता है, बड़ा कटु उसका हृदय हो जाता है। वो सोचता है कि कहाँ है मिठास, कहाँ है प्यार, किसी तरह जीना ही तो रह गया है। कोई अपनी गला घोटता है तो कोई दूसरे का गला घोटता है, और इसके उत्तर में हजारों लोग हजारों बातें बताएंगे। कोई कहेगा इसका कारण है सामाजिक अव्यवस्था, कोई कहेगा राजकीय अव्यवस्था, कोई कहेगा कम्युनिज्म अच्छा, कोई कहेगा कैपिटलिज्म अच्छा, कोई कहेगा कुछ अच्छा, कोई कहेगा कुछ अच्छा, और लोग उसको चिपक भी जाएंगे। कोई कम्युनिस्ट हो जाएगा तो कोई कैपिटलिस्ट हो जाएगा, कोई डेमोक्रेटिक हो जाएगा, कोई सोशलिस्ट हो जाएगा, तो कोई गरीब हो जाएगा, कोई अमीर हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ ग्रुप बना करके सोचेगा कि ग्रुप बन के जी सकते। और संघर्ष, पूरी तरह संघर्ष, और इस संघर्ष में भी चाहते क्या है सो उनको पता नहीं। दलित दल है कोई, है वो आतताई दल है, अरे दल बंदियां हो गए, लेकिन सब आपस में हम इंसान होते हुए ये दल कैसे बन गए, इसके पीछे का बड़ा भारी एक रहस्य है। और रहस्य ये है कि उस परमपिता परमात्मा के प्रेम को हम देख नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते कि कितनी प्रेम से ये सृष्टि उसने तैयार किया। आप लोग तो एक बीज से एक पेड़ नहीं निकाल सकते,
एक फूल से एक फल नहीं निकाल दिया। आपके बस का कुछ भी नहीं। जरा सोचिए कितना परमात्मा ने हमें सौंदर्य दिया और कितना कुछ हमारे लिए कर दिया। इस आदमी ने ये भुला करके जिसने हमें बनाया, इतना बड़ा किया, एक अमीबा से इंसान बना दिया, उसके प्रति कोई भी कृतज्ञता नहीं, उधर कोई भी चित्त नहीं, उधर कोई भी विचार नहीं, इसलिए अधूरापन आ गया। और जो कुछ कह गए लोग, जो कुछ बता गए, उनको या तो जिन्होंने माना वो गलत तरीके से मान ली, उसकी भी दलबंदियां बना ली, और कुछ लोगों ने कहा कि ये तो सब ऐसी बातें हैं, इसमें कोई याद नहीं, सब झूठ। ऐसी सब दशा में कि जब मनुष्य एकदम निराश और हताश है और कटुता से भरा हुआ है और उसकी नजर में परमात्मा का नेम भी नहीं झलकता। अभी मेरे सामने देखी कोहरे में से थोड़े थोड़े से ये पत्ते दिखाई दे रहे, इतना सुंदर बना हुआ है सब, इसका आनंद अंदर छरा जा रहा है। और ये सब सृष्टि का सौंदर्य भी हमारे आंख से ओझल होकर और हम एक बड़े बोझिल जिंदगी से दबे हुए हैं, तब समझ में नहीं आता ऐसा क्यों। जब परमात्मा ने अपने प्रेम से हमें बनाया, संजोकर बनाया, इतने आनंद से उसने सृष्टि रची, तो आखिर हम इतनी बड़े आफत में क्यों फंस गए। इसका कारण ये कि हमने खुद ही अपनी गर्दन कटा ली। गर्दन कटाना सहयोग में इसे कि शुद्धि चक्र कहते हैं, जिसमें विराट का स्थान है। गर्दन कटाने का मतलब होता है कि आपने विराट से अपना संबंध तोड़ दिया, उस बड़े विराट से जिसके हम अंग प्रत्यंग है, जो परमात्मा के नाम से जाना जाता है, उससे ही हमने अपना रिश्ता तोड़ लिया। और वह कहे अपने ही दिशा में और अपने ही विचारों में और अपने ख्यालों में सोच करके कि ये चीज ही सही है और बाकी जितनी भी चीजें हैं वो गलत है। इस मोड़ पर ही आज सहयोग एक महायोग के रूप में आपके सामने आया। इसको सोच विचारने से आप जान नहीं सकते, क्योंकि मैंने पहले कहा कि सोच विचारने से आपसे जो निम्न चीज है वो पाई जाएगी, आपसे जो ऊंची चीज है ये आपकी कल्पना की भरारी है। कल्पना से आप सोच सकते हैं कि हम आकाश में घूम रहे हैं, लेकिन वो यथार्थ, वो यथार्थ नहीं, रियालिटी नहीं, यथार्थ नहीं। ये मान लेना चाहिए कि जो कुछ भी हम सोचते बैठते रहते हैं कि हम फलाने हैं और ठिकाने हैं और ऐसा हो गया वैसा, यथार्थ नहीं। तब तो ये समझ लेना चाहिए कि यथार्थ में जो हमने पाया वो अपने से निम्न नहीं पाया और अपने से जो ऊंचा पाना है उसके लिए यथार्थ में कोई चीज नहीं। और यथार्थ में क्या होना चाहिए इसका भी विचार उस बनाने वाले ने कर दिया, वही इसको करने वाला उसका विचार, जिसने आपको ये आंखें नाक मुंह सब कुछ शरीर दिया है, मन बुद्धि अहंकार आदि सब चीजें आपके अंदर दी है, वही आपको वो भी खूटी दे देगा जिसमें पहुंचकर आप इससे ऊंची दशा में आ जाए। उसने भी ये सोच कर ही आपको मनुष्य बनाया। लेकिन सबसे पहले तो बुद्धिजीवी को सोचना चाहिए कि ये बुद्धि कहां तक पहुंचती है, ये कितनी सीमित चीज है। और जब असीम की बात हो रही है तब बुद्धि का बीच में रगड़ना चाहिए। इस असीम को जानने के बाद, पहचानने के बाद, जैसे नानक साहब ने कहा चीनने के बाद,
तब आप ये समझ सकते हैं कि आप क्या हैं, आप क्यों इस संसार में आए, और ये जो सर्वव्यापी परमात्मा की जीवंत शक्ति है ये कौन से कार्य को करती है और कैसे करती है। इतना ही नहीं, जब आपके अंदर आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है तब ये शक्ति आपके अंदर से बहती है और कार्यान्वित होती है। अभी सब पे जरूर नजर कर, ये शक्ति बोलती नहीं, सोचती नहीं, कार्य करती, कार्यान्वित। बोलना और सोचने का काम तो बुद्धि का है, निरर्थक उससे कोई कार्य थोड़ी होता है। जैसे मोटर में बैठे आप और सोचने लग जाइए, क्या मोटर चलेगी? आप कुछ करना होता है। लेकिन ये शक्ति ऐसी है कि जब आपके अंदर से बहने लगती है तो कार्यान्वित होती है, कार्य। जैसे प्रकाश है, कार्यान्वित, जब उसमें से प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश दिख रहा है, कार्य कर रहा है ऑटोमेटिक, न कुछ करते हुए भी प्रकाश प्रकाश दे रहा है। उसी प्रकार ऐसा इंसान कुछ न करते हुए भी प्रकाश दे रहा है और कार्यान्वित। इस बात को मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी में इसलिए कही गई है क्योंकि यूनिवर्सिटी का मतलब ही होता है विश्वव्यापी, लेकिन बुद्धि विश्वव्यापी नहीं होती। अगर होती तो अभी तक हो गई होती, हर एक की बुद्धि तो वही वही चलती है, एक ही दूसरे से मेल नहीं बैठता। तो इस चीज को पाने के लिए सबसे पहले नम्रता पूर्वक ये स्वीकार करना चाहिए कि अभी तक हमने जो कुछ जाना है वो सीम, और असीम को जानने के लिए कोई ना कोई घटना हमारे अंदर घटित होनी चाहिए, कोई ना कोई अंकुर हमारे अंदर जागना चाहिए, जिससे हम जो आज ऐसे सीमित से लग रहे हैं वो आकाश बन करके छा जाए। बड़ों ने समझाने के लिए बहुत तरीके से कहा कि बूंद को सागर होना चाहिए। अब सब सिमिलीज भी जो हैं, एनालॉजीज भी जो हैं, वो भी निम्न चीजों से ही है। ये तो एक बड़ा भारी प्रश्न है कि वो भी कहाँ से लाए, क्योंकि तो ऊंची चीज की तो बात ही नहीं कर सकते, और जो जो एनालॉजी करते हैं वो नीची चीज की करेंगे, और जो भी नीची चीज की करेंगे वो आपको और नीचे की तरफ खटका दी जाएगी। जैसे कहा कि आप बूंद से सागर हो जाइए, वो कहेंगे साफ बूंद से सागर कैसे हो। कितने भी गोल घुमा करके बात समझाई जाए समझ में नहीं आएगी, क्योंकि समझने वाला जो है वो ये बुद्धि का ही प्रकार है। जब समझना आत्मा से ही हो सकता है तब बुद्धि से क्या समझाया जा सकता है, आपकी बताइए। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत से विदेशी सहयोगी आए, ये आपके संगीत के बारे में सारे गम भी नहीं जानते, अपने संगीत के बारे में सोच, आपके संगीत शास्त्र के बारे में कुछ नहीं जानते, राग रागिनियों के नाम नहीं जानते, लेकिन अगर कोई सा भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शुद्ध बजाया जाए तो कितना भी कठिन राग हो उसमें मस्त हो जाता, उसका वो राग नहीं खोजते, उसके आलापकारी नहीं देखते, पर उसका जो असर है, उसका जो कार्य है उनके अंदर बन जाता है। नहीं तो अगर अपने हिंदुस्तानी सुनने बैठेंगे तो पहले पूछेंगे साहब गाने वाली कौन है, फिर ये नाक कौन सा, विचार आ गया, इनका घराना कौन सा है, इनके बाप दादे कौन से, ठेका कौन सा लग रहा है। लेकिन जो इस चीज से बैठा नहीं, वो सिर्फ अपने आत्मा से उसका अनुभव ले रहा है, उसका मजा ले रहा है, और वो राग जिस चीज के लिए बनाया गया था वो आनंद पूरा के पूरा उस आदमी में समाया जा रहा है। जिस आनंद से वो बनाया गया था वही पूरा के पूरा आनंद उसमें समाया जा रहा है और उसमें कार्यान्वित। इस आनंद की प्राप्ति आप सबको हो सकती है, यह हमारा है। आप अगर कहें तो हम भी इस बात को मान जाए, अगर आप कहें कि हम ही क्यों ये काम करें तो हम कहें आप करें, बहुत अच्छा, आप जरूर करें।
हमें तो बड़े, हम बड़े खुश हैं कि आप लोग कर ले तो बड़ा अच्छा, कोई भी कर, इससे बढ़ के और कौन सी बात हो सकती है कि भाई हमारे जगह और कोई काम कर ले, ये तो बहुत अच्छी चीज है। इस काम के लिए शायद हमें भी करना पड़ेगा कुछ दिनों तक, तो आपसे हो सकता तो आप फिर, काम है जटिल, प्रेम का काम, और प्रेम सत्य है और सत्य प्रेम, इतना गहन प्रेम है ये, इसमें मनुष्य फौरन पहचान जाता है कि दूसरों को क्या शिकायत, दूसरा कोई रह ही नहीं जाता, इतना गहन प्रेम है। सब अपने अंग प्रत्यंग हो गए, जब दूसरा कोई नहीं रहा तो किसके उपकार करने जा रहे हैं, और जब ये प्रेम किसी पे भी प्रकाशित होता है तो सारा सत्य उस आदमी का पूरा के पूरा सामने नजर आता है। पूरी की पूरी चीज, पूरी तस्वीर सामने आ जाती है। उस प्रकाश में आप जान लेते हैं कि ये जो आपका अंग प्रत्यंग है इसमें क्या तकलीफ है, कार्यान्वित प्रकाश से प्रकाश में आपको दिखना चाहिए, साफ साफ नजर आना चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। एक ही नहीं, सब लोग जो देखेंगे वो एक ही बात कहे कि माने सफेद रंग की साड़ी में, उसमें अनेक विचार नहीं हो सकते, उसमें झगड़े की बात, एक ही सत्य हो सकता है, और जो एक ही सत्य होता है वो अनेक होते हुए भी एक ही जैसा दिखता है। लेकिन इस प्रेम को आज तक किसी ने जाना नहीं, बहुत थोड़ों ने जाना, और जिन्होंने जाना उनसे किसी ने जानना नहीं चाहा, उनको परेशान किया, उनको सताया, और उनके मरने के बाद मंदिर खड़े कर दिए, चर्च खड़े कर दिए, और दुनिया भर के गुरुद्वारे खड़े कर दिए, और सब चीज खड़ी कर दी, लेकिन उस प्रेम को नहीं जाना जिस प्रेम के सहारे ये सब चीजें खड़ी। उस प्रेम को जानने के लिए भी आत्मा का ही अवलंबन करना पड़ेगा। जैसे लौकिक चीजें जानने के लिए हम बुद्धि का अवलंबन करते हैं, वैसे ही अलौकिक चीजें जानने के लिए हमें आत्मा का अवलंबन करना पड़ेगा। अब कोई कहेगा आत्मा है या नहीं, पहले ही झगड़ा क्यों लेके बैठ गए, पहले ही इसका उहाप हो क्यों है भाई, है या नहीं, अब तो हम सिद्ध करने आए। पहले के लोगों को आप कह सकते थे कि वो सच थे कि झूठ थे, उनके बारे में आप पचासों बातें कहिए, लेकिन अब तो हम आपको सिद्ध करने आए कि आपके अंदर आत्मा का स्थान है, और परमात्मा सर्वव्यापी अपने साम्राज्य में आपको आमंत्रण करता है। ये सर्वव्यापी शक्ति उस परमपिता परमात्मा की प्रेम की लहर है, उसका आनंद देने के लिए ही परमात्मा ने आपको इंसान बनाया। अहंकार से मनुष्य को सुख हो सकता है, आनंद नहीं, सुख के बाद दुख भी हो सकता है, लेकिन आनंद में सुख और दुख दोनों भावनाएं टूट करके एकमात्र आनंद होता है, जिसको शब्दों में वर्णन नहीं करा जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। लेकिन उसका अनुभव भी इस हृदय से नहीं है जिसको आप हृदय कहते हैं, इसका हृदय नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर ये हृदय है ये तो कभी रुलाता है कभी हंसाता है, हृदय जो जाने वो आत्मा है। रि शब्द से, रि का मतलब एनर्जी, रा माने एनर्जी शक्ति, इस प्रेम की शक्ति को जो देने वाला है वो हृदय, इसलिए वो प्रेम की शक्ति को देने वाला या जानने वाला ये आत्मा जो है इसको पाना चाहिए।
इतने तक अगर आप सब बुद्धिवादी उतर आए तो फिर आगे की बात हम कह सकते हैं। इतने तक पहले उतर आइए, ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि नहीं तो बीच में आपकी बुद्धि खड़ी होगी कि पर माता जी इसका ऐसे कैसे। बुद्धि के सतह पर इस बात का जवाब कुछ भी दे आप संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि वो संपूर्ण जवाब हो नहीं सकता। हालां लॉजिकली मैं आपको ले आई हूँ उस पॉइंट पे जहाँ आप ये कहेंगे कि अच्छा तो माँ बताओ ये आत्मा कैसे पाया जाए। मुझे आशा है कि ये आप लोगों के सबके अंदर ऐसी भावना शायद हो गई हो कि माँ जो कह रही है उसमें कुछ सच्चाई भी है। आत्मा उस परमात्मा की परछाई है, आत्मा उस परमात्मा का प्रतिबिंब है जो इस मानव में दृष्टिगोचर हो सकता है। इन्होंने पूछा है कि कुंडलिनी और आत्मा में क्या संबंध है। अब पहले मैंने बताया आपसे कि परमात्मा का प्रतिबिंब जो है वो आत्मा है, एक बात हो गई, और परमात्मा की जो शक्ति है उसे आदिशक्ति कहते हैं, होली घोस्ट कहते हैं, या चाहिए तो उसको आप रूह कहिए। इस शक्ति का प्रतिबिंब जो मनुष्य में होता है वो कुंडलिनी। जब तक ये दोनों चीज मिलती नहीं तब योग घटित नहीं, योग मानी यूनियन। और जैसे ही ये चीज घटित हो जाती है तो जैसे कि समझ लीजिए ये एक बहुत ही ग्रोस तरीके से फिर एनालॉजी बताएंगे कि जो बिल्कुल निम्न चीज है उसकी, कि जैसे इसकी जो कनेक्शन है जैसे ही मेन से लग जाता है तो जो प्लग है उसमें इसको लगा देने से ही इसका कनेक्शन चलता है। तो इसमें कहिए कि कुंडलिनी ये है और प्लग जो है वो आत्मा। अब भाई बहुत ग्रोस चीज लेकिन करेगा, कोई सी भी एनालॉजी दीजिए कितनी भी काव्यमय बनाइए तो भी वो निम्न तो होगी। इतना निकट संबंध है एक दूसरे। आस्क मी द क्वेश्चन व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द स्पिरिट एंड द कुंडली। आई सेड आई वाज टेलिंग देम इन हिंदी लैंग्वेज ए पॉइंट दैट whatever we have to achieve or whatever we achieve or we describe or talk about is lower than, is not higher than. Because it is done through our intelligence or through our emotions. So it is not higher than. The whole thing is lower than us, which we can handle. In imagination, you may think of something greater things, higher things. But this imagination, that's not reality. So in reality, when you have to deal with something, in reality, then you deal with things that are lower than you. That's why many people say that, Mother, you are not tech. Many people say, Mother, you are not practical, because to them it looks as if I have a very impractical attitude. There's the question, why a man is afraid of darkness? Not all. Darkness is sometimes afraid of some men. ये बात सही नहीं, प्रश्न जो है अधूरा है बेटा, लेकिन डर इसके लगता है अंधेरे से। वही बात आ गई ना कि अदृश्य से इंसान डरता है, अंधेरे में जो जो गड़बड़ियां इंसान ने की इंसान के ऊपर में, इसी से वो डरता है। और भी बहुत सारी बातें हैं, पर खास बात यह है कि इंसान के अंदर जब अंधेरा होता है तब उससे ज्यादा डर लगता है।
जब वो प्रकाश में आ जाता है उसको अंधेरा और उससे कभी डर नहीं। अंदर में अंधेरा है, बाहर अंधेरा है, तो बहुत ही ज्यादा अंधेरा हो जाता है, मनुष्य घबरा जाता है कि बाबा रे बाबा, रास्ता तो ऐसे नहीं मिल रहा, ऊपर से अंधेरा। देखिए जब अंदर प्रकाश हो जाता है तो बाह्य के अंधेरे को दिखाई नहीं देते। अभी अंधेरा है, आप सोचते हैं अब मैं इसमें भी बड़ी सुंदर चीजें देख रही हूँ। इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं ये देश के अंदर और बाहर, इसमें इतना धन भी खर्च करती है सरकार और बाकी सब लोग मिलकर, और इतने इतने विद्यार्थी उसमें लगे हैं जो दिनों रात उसमें परीक्षण करके कुछ प्राप्त करते हैं। आपके हिसाब से मानो वो छोटा सा लोअर स्तर का है, बिल्कुल, तो क्या ये जो आपने व्यवस्था बनाई उसकी व्यवस्था के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दी जा सकती, जैसे मानो किसी जिज्ञासु हो, जानने की इच्छा हो, न भी हो तो जिज्ञासा उसके अंदर पैदा की जाए और उस पर भी लोगों को बोल देने के लिए कुछ आश्रम पद्धति ऐसी जो पहले बताती ऐसी व्यवस्था। उसी की तो हालत बता रही हूँ कि आश्रम के लिए जमीन लेने गए तो कहने ब्लैक मनी दो, फिर कहने तुम ब्राइब दे दो, करते करते 12 साल तो बीत गए। अब एक साहब ने जमीन दे दी, आपके यहाँ प्रेसिडेंट साहब ने हमें जमीन दी तो उनको हमने ठीक किया था, तो उन्होंने हमको दे दी सब्जी मंडी में जहाँ बैल बैठते, सही बात। आप जाके पूछते अजीब अजीब पागल लोग दुनिया में घूमते हैं, आप सब्जी मंडी में दे दी, अभी इसको भी 4 साल बीत गए, सब्जी मंडी से इधर ले गए फिर उधर ले गए फिर उधर ले गए, यही चल रहा। जब तक मनुष्य की बुद्धि ठीक नहीं होती है तब तक आश्रम भी नहीं बनने वाले मेरे ख्याल। आश्रम तभी बन सकते जब आदमी सोचे भी इसकी जरूरत है, नहीं तो यहाँ वीरान यूनिवर्सिटीज बन जाएंगी और कोई उसमें आ गई। इसलिए पहले थोड़े आदमी के दिमाग में ठनकना चाहिए, उसकी ठनक जरूर बैठनी चाहिए, और इसीलिए कलयुग जो है इसी में ठनकेगा, नहीं तो उसके दिमाग में आने नहीं आएगा। ऐसे समझाने से समझ लेने वाले, आप बताइए आज यहाँ पर आप इतने लोग बैठे, इस यूनिवर्सिटी के कितने सुविधे यहाँ बैठे हुए, मतलब प्रोफेसर्स नहीं लेकिन लड़के कॉलेज के बैठे हैं, कोई देख लीजिए है कोई, 1 2 3 4 5 6 बच्चे बैठे। अब आप ही बताइए अब क्या करूँ मैं इस यूनिवर्सिटी यहाँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने सालों से आ रहे हैं, मैं आपसे बताऊँ करीबन 11-12 साल, 12 साल में आज 6 बच्चे मिले। अब इसे हम क्या करें बेटा, हम तो अपनी तरफ से बड़ी मेहनत कर रहे हैं, रातों दिन नहीं करते, लेकिन यहाँ कोई इधर आता ही नहीं। फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हुई तो और भी हालत खराब, और वो जो आपकी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है उसमें तो एक इंसान आया मेरा भाषण सुन, मैंने तो दीवारों को भाषण किया। जरूरत तो नितांत है, जब तक ये लोग बहुत आफत में नहीं फंसने वाले तब तक इनकी अकल नहीं ठीक। जैसे प्रदेश में हमारा ज्यादा काम होता, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, कनाडा में, 3 जगह हमारे थीसिस लोग लिख रहे हैं सहयोग के, सहयोग के बारे में थीसिस लिखा जा रहा है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई करेगा ऐसा काम, कोई मानेगा यहाँ पर सहयोग पर एक थीसिस लिखा जाए, और अगर लिखेंगे तो भी ऐसा इतना सुपरफिशियल कि उससे सहयोग का काम ही रुक जाए परमानेंट, वो यही कह देंगे कि माता जी जो हैं वो सफेद ही साड़ी पहन के बैठती हैं या उनका फलाना ही है तो ठिकाना है, कुछ भी अपने मन से जो भी वो सुपरफिशियल समझो बात कह देंगे, जैसे अखबारी चीजें चलती। तो जरा से यहाँ के लोगों को थोड़ी सी ठनक बैठने की जरूरत है, उसके बगैर इनकी अकल नहीं दुरुस्त होने वाली, ऐसे ही मुझे लगता है। 12 साल से मैं यहाँ आ रही बैठी तब यह हालत है, इससे आप समझ लें। अब आप इसी से समझ लीजिए कि मैंने मेरी मेहनत में कमी नहीं की, और यहाँ पर ऐसे भी बहुत से हैं कि जो पार हो गए हैं, प्रदेश से आए हुए भी 130 लोग यहाँ बैठे, उतने ही इधर के बैठे, अगर प्रदेश से नहीं आए तो ये जगह भी नहीं भरती।
सच्ची मैं क्या करूं, लोगों को रुचि ही नहीं है, इधर विचार ही नहीं है, वो तो सोचते हैं कि बड़े अफलातून हो गए, क्या कहा जाए। Desire to learn the same by tape recorder, and I'm leaving to my native place by 2nd or 3rd of this month. Who is the gentleman? All right, there is a arrangement that you can take my lectures, which is taped, and you can take from there. All right, but see my lectures. Are of no use if you do not get your realization. It's a good thing to see because mother speaks well, you see, she's good at speaking, so nice to listen to her. But you must get your realization first, all right? You got it, then you take, then it's all right, then you are my son, all right? You take whatever you like. Has got vast knowledge of Kundalini. Before I left Delhi, I wished to learn more about Sahaj Yoga and treatment. I came to Delhi last December. किसके पास गए? किसके पास गए थे आप पहले? कौन से eminent person के पास गए? हाँ? माताजी को? हाँ? आपका विचार है सिर्फ आपसे। उससे सीखा था आपने, यू लर्न इट फ्रॉम मी, दैट इज ऑल। थर्टी इयर्स एक्सपीरियंस कैसे हुआ? आई स्टार्टेड माई वर्क ओनली 12 इयर्स बैक। इट्स ऑल राइट, डजंट मैटर, बट यू बेटर टेक द टेप रिकॉर्डर, इफ यू हैव गॉट रियलाइजेशन इवन टुडे यू कैन। All right? That's all. You see, because without self-realization, it is just a tool in your hand. But once you get realized, it's a light in your hand. All right? That's right. Let's go to it. You can take. We have got our image. Those who want to take my tapes can take it. But you have to be a realized soul. Otherwise, we don't give. Because what's the use of this cheap popularity? There's no need to have cheap popularity about Sahaj Yoga. You have to become. Here you cannot be just a member. We have no membership, nothing. This is a living organism. So if you become, you have every right. But if you don't become, you have no right. Just like you have to be an Indian citizen to have some rights in this country. I wonder if we have any. But here it's God's speech. In the realm of God, if you just enter into it, you have all the rights, and He looks after you with every support, with every help, so much so that you think you have now lost the meaning of miracles. Every step will be amazed. The same person you asking about how to cure insomnia. Kill what? Insomnia is absolutely curable. If you have attended my lectures before this, I told you how to give balance to yourself. But in any case, you come to the center and they will tell you how to cure insomnia. Absolutely simple. के लिए जो भी फॉर्मूला या जो भी हम कर सकते हैं एक चीज बताइए ताकि मैं एनर्जी मेरी बॉडी के साथ सिंक्रोनाइज या रेजोनेंस कर सके। मैंने पहली बार ये डिस्कोर्स अटेंड किया है। मैंने पहली बार ये डिस्कोर्स अटेंड किया है। ये किस आपका है प्रश्न आपका बेटे? बहुत खुशी की बात है, इन्होंने बहुत सही बात पूछी कि मुझे आत्मा साक्षात्कार चाहिए। बस हो गया, बस इतना बहुत हो जाएगा।
लेकिन जब ये एनर्जी आपके अंदर से बहने लग जाए तब इसके बारे में सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, क्योंकि योग तो घटित हो गया, लेकिन योग का दूसरा अर्थ होता है युक्ति, कौशलम। माने योग जानने के बाद आपको समझना चाहिए कि इसकी कुशलता क्या है, किस तरह से इसको वर्कआउट करना चाहिए। योग का एक ही अर्थ नहीं होता, योग का अर्थ एक तो हो गया कि यूनियन हो गया, और उसके बाद में उसकी कुशलता आनी चाहिए, उसकी डेफनेस आनी चाहिए। हो गया। आपने हमें बताया आत्मा So with the Atma, Jeev is still in it. And that's why there's darkness. Because of Jeev is surrounding the Atma, we say that, oh God, please give peace to this Atma or to this Jeevatma, to his soul, not to his Atma, to his soul, to Jeevatma, so that the person becomes a better person, and when he's reborn, he doesn't hanker. Even when he is dead, if his Jivatma is not happy or peaceful, he may hanker around, he may hover around and may create problems. That is why we say Atma in itself is Shanti itself. But it is a Jivatma, it's not Atma. There are three elements still attached to the Atma. Only the earth element and the water element drop off. The rest of it is still there. अरे भाई, गृहस्थाश्रम में नहीं होगा तो होगा ही नहीं रियलाइजेशन, उल्टा हाल है सहयोग में। सहयोग में अगर आप गृहस्थाश्रम में नहीं रहेंगे तो सहयोग नहीं लाभ होगा। अगर कोई सन्यासी बाबा होते तो हम उनसे कहते भैया कपड़े बदल के आ जाए। गृहस्थाश्रम तो बिल्कुल त्यागना नहीं, ये सब आइडियाज पता नहीं कहाँ से आ गई, बघेड़ूपना होता है ये। कोई जरूरी नहीं, अपने अंदर ही सब कुछ है, एकांत की कोई जरूरत नहीं, अंदर ही घटित होता है, अंदर ही आप पाते हैं, और उसमें आप जान देते हैं कि जहाँ आप बैठे हुए हैं जिस वातावरण में, उसी में वो शक्तियाँ हैं। लेकिन अगर आप हिमालय पे चले जाएं, वहाँ भी जाकर के आप वरिड रहेंगे, और वहाँ भी आप चाहेंगे कि अपनी झोपड़ी के आसपास कोई चीज़ और बना लें और किसी तरह से अपने को सुरक्षित रखें, पर यहाँ तो जब आत्मा में आप जागरूक हो गए तो सबके अंदर रहते हुए अंदर से आप शांत हैं। नहीं, अलग अलग कोई ख्याल नहीं भाई साहब। समझ गए, आप बैठ जाइए। मैं आप बैठिए। देखिए, जो चीजें आत्मा के विरोध में पड़ती हैं वो चीजें नहीं खानी चाहिए। जो चीज़ आत्मा के विरोध में पड़ती है या चेतना के विरोध में पड़ती है वो नहीं करनी चाहिए। अब जब मोहम्मद साहब आए थे तो उन्होंने बताया भाई शराब मत पियो, कि तब तक सिगरेट नहीं आई थी, इसलिए वो नानक साहब बन के आया, उनका भैया आप सिगरेट मत पियो। तो अब कुछ लोग आकर मुझे कहते हैं कि इन दोनों ने ये तो नहीं कहा था कि गांजा मत पियो। तो मैंने इनसे ये कहा कि भाई सबकी तुम लिस्ट बना के दे दो जो जो पी सकते हैं, मुझे तो मालूम भी नहीं क्या क्या पीते हैं और क्या क्या करते हैं। मतलब ये तो ऐसी चीज है ना कि आ बैल मुझको मार, ये पॉलिसी अच्छे भले बैठे हुए हैं एकदम से आपने शुरुआत कर दी पीने को, तुमसे क्या कहा जाए। लेकिन अब ये है कि समझ लो कि हो सकता है कि मैंने एक दो बात अभी नहीं कही और हम चल बसे,
तो लोग कहेंगे कि माता जी ने इसको तो मनाने किया था तो यही करो। अरे भाई सीधा हिसाब ये लगाइए कि जो चीज आपने चेतना के विरोध में लाती है, मानिए कि जो आप शराब पिए वो आपके चेतना के विरोध में जाती कि नहीं जाती, सीधा है ना, तो वो ना करें। अच्छा सिगरेट पिए उससे कैंसर होता है ना, वो आपके शरीर के विरोध में जाती। अच्छा रही बात गोश्त खाने की, इसके बारे में किसी ने भी नहीं कहा गोश्त मत खाओ, ऐसा किसी ने गोश्त मत खाओ, ये तो बनाई हुई चीज है, ऐसा नहीं कहा। लेकिन ये जरूर कहा है कि आप जो भी है संतुलित खाना खाए, वेजिटेरियन है वेजिटेरियन। गोश्त खाने पर जब लोग आते हैं तो मछली मुर्गी घोड़ा गाड़ी सब खा जाते हैं, और जब वेजिटेरियन पे आते हैं तो यह हद हो जाती है कि खटमलों को बचाएंगे मस्कीटोस को बचाएंगे। भाई कोई चीज का दुख होना चाहिए, हर एक चीज का दुख होता है, इसका कोई मतलब। जैसे आप समझते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मस्कीटो को, अब मस्कीटो को क्या मैं आत्म साक्षात्कार दे सकती, एक सीधा दे सकती हूँ क्या, खटमलों को दे सकती हूँ, मुर्गियों को दे सकती हूँ, नहीं दे सकती। लेकिन शारीरिक दृष्टिया जिस आदमी को जिस चीज की जरूरत है वो खूब खा। लेकिन अगर लोग सिर्फ गंदी चीजें खाना चाहे उसे क्या कह सकते हैं, जिसको जो सूट करता है वो खाना चाहिए। अब इसका मतलब है नानक साहब थे वो तो गोश्त खाते, कबीर दास खाते थे गोश्त, अपने मोहम्मद साहब खाते थे, राम खाते थे, बुद्ध भी खाते थे, वो महावीर भी खाते। लेकिन उनका ये नहीं था कि अब खाने पे आए तो खाने पे लग, क्योंकि खाने पीने से आत्मा पे असर तब आता है जब आपके अंदर ऐसी प्रवृत्तियां आ जाए जिससे आप हिंसक हो जाए। और उससे भी असर आता है कि अगर आप एकदम बंद गोभी होके पड़े रहे कैबेजेस, कुछ लोग जो होते हैं वो बिल्कुल उस प्रकार हो जाते हैं कि जैसे कि कुछ उनके अंदर कोई शक्ति। अब आप देखिएगा कि बीमारियां भी इस तरह से आती अतिशय। जो लोग बहुत ज्यादा गोश्त खाते हैं वो आतताई होते हैं, अहंकारी होते हैं, और उनके अंदर बीमारियां पाई जाती हैं। ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है उनको, क्योंकि ओवर एक्टिविटी। और जो लोग सिर्फ घास खाते रहते हैं समझ लीजिए, उनको सब लिथार्जी आ जाती है, उनको लिथार्जी खाट होता। आज ये सब आए थे अग्रवाल बेचारे, तो कहने लगे कि उनके लिथार्जी खाट, लिथार्जी लिवर, लिथार्जी इंटेस्टाइन। तो मैंने कहा देखिए आपको, आप तुम गोश्त नहीं खा सकते क्योंकि आपने कभी खाया है, लेकिन आप ऐसा करिए कि प्रोटीन खाए ज्यादा। तुम आप प्रोटीन कहा मैंने भी मिलता है खोजो, करके तुम खा नहीं ना सकते और बहुत खा चुके तुम, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाना चाहिए तुम, ये समझाने की बात। अब किसी ने कहा कि गीता में लिखा है, डरा मैं तो इतना ही कहूंगी कि गीता में सबसे पहले कृष्ण ने ये कहा कि अर्जुन तू इन सबको मार, अहिंसा की तो बात ही नहीं करनी, मतलब उनको अहिंसा में कैसे लाके डाल दिया पता। उन्होंने तो इंसान को मारने को, जानवर का तो छोड़ो, और उस पर गुरु को तक मारने को कहा, तो वो कैसे कहेंगे कि तुम इसको नहीं मारो उसको नहीं मार, वो तो पहले कहते कि सब मरा हुआ। ऐसी उल्टी बातें भी सब जगह हुई, बाइबल में भी बहुत गलत कर दिया है, कुरान में भी ऐसी चीजें, ये तो सबका धंधा है, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो इनकी चलेगी कैसे। कुछ ना कुछ ऐसा बना देते हैं कि जैसे कोई ना कोई चीज एक ग्रुप बन जाए, ये सब जो है गठबंधन बनाए। समझने की बात है कि चेतना के विरोध में सब शराब वगैरह ये जाता है, इसलिए शराब के विरोध सबने कहा है, चाहे मोसेस को ले लीजिए आप, अब ईसा मसीह ने नहीं कहा आप कहेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं, ईसा मसीह इस जगह पैदा हुए हैं और ये जगह जो है वहां पर दूसरी बात, जहाँ जो बात करने की वही तो बात होगी। अब मैं कुंडलिनी के जागरण के लिए अगर आई हूँ तो मैं उसी की बात करूंगी आपसे, लेकिन इस वक्त ऐसी है कि सभी बात करनी पड़ेगी, नहीं तो मुझे डर लगता है कि आप जो नहीं बात करूंगी उसी को पकड़ बैठिएगा, इसलिए बेहतर है कि मैं सभी बातें कह जाऊँ, लेकिन तो भी पकड़ने वाले पकड़े, जिनको यही काम है सुबह से शाम को किसी पकड़ लूप होल्स जिसे कहते हैं ना, जैसे अब कोई अगर आप चोर के पास जाके पूछिए बैंक के बारे में तो वो ये बता देगा कि इसमें कैसे आप घुस सकते हैं बराबर, लेकिन उसके मैनेजर से पूछे तो कहेगा देखिए इसमें ये मजबूती है, ये मजबूती है, वो मजबूती है।
लेकिन चोर ही बता सकता है कि इसमें आप कैसे घुस सकते हैं। कितने भी आप मजबूत बना जाइए तो भी हम घुस के दिखाएं। ये इंसान की खूबी है। हर धर्म प्रचारकों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि भाई इंसान को अकल दे। और महावीर जी को इस हद तक पहुंचा दिया कि अब खटमल एक उसको लाया, एक ब्राह्मण को लाया, उसको कहे तुम पे खटमल लगा और तुमको इतना पैसा देते। उसके बाद वो खटमल उसको जब चूस लेते हैं और ब्राह्मण को छुट्टी हो जाती है तो बड़ा धर्म कार्य होगा, हमने इतने खटमलों को खून खिला दिया एक ब्राह्मण। अब ये कोई तरीका होगा? मनुष्य को सूझबूझ बहुत है लेकिन धर्म के मामले में बहुत। और खाने पीने का ज्यादा विचार करना भी ठीक है। रात दिन जो आदमी खाने पीने का विचार करते रहेगा वो आत्मा को क्या पाएगा? अब उपास होने का है तो उपास के बारे में लोग सोचते रहे कि क्या खाएंगे कल उपास, और मां रहा है तो वह मच जाएगी, हनुमान जी का अवतार हो जाएगा। इनका उपास है पता हुआ, दूर से पता हो जाता कि यहाँ कोई उपास कर रहा है, भगवान बचाए रखे है ऐसे उपास नहीं करो। सहज योग में दूसरा नियम है कि कोई उपास नहीं करेगा भगवान के नाम में, अपने लिए करना तो करो लेकिन जो आदमी उपास करेगा उसको गांव से बाहर जाना चाहिए क्योंकि किसी को उनकी बातें नहीं सुननी। यहाँ तो सबने शहीद ही बना है ना, मैंने इतना उपास किया तो मैं सबको डंडे मार सकता हूँ, मैंने देश के लिए इतना त्याग किया तो मैं सबकी जान खा सकता हूँ। भाई काय को किया किसी ने बताया? वो भी एक मार्टिरडम है, दिमागी जमा खर्च किया तो किया मजे मेरा। तो खाने पीने का विचार अति रखना भी दोषमय, पर पार हो जाइए फिर बात करेंगे क्योंकि अभी करने में आप बुद्धि के स्तर पे चलेंगे, इसलिए पहले पार हो जाइए। किसी के लिए कोई चीज का कंपल्शन नहीं खाने पीने का, लेकिन अपने से जो बड़े जानवर हैं उनको मत खाइए। और सहयोग में ये नहीं कि आप सबको गोश्त ही खाना है या यही खाना, जो खा रहे वही ठीक है, ज्यादा मत खाइए, कम खाइए, और कम भी इतना नहीं खाइए कि भूखे मरिए। दोनों के बीच में रहना है, मध्य मार्ग, कोई चीज का एक्सट्रीम व्यू मत लीजिए। जो आपको बीमारी होगी उसके अनुसार आप अपना डाइट रखिए। हम तो सिर्फ इसके कहेंगे कि किसे प्रोटीन खाना है, किसे कार्बोहाइड्रेट्स खाना है और किसको फैट खाना है, समझे ना। और इस पर आप अपना तय कर लीजिए, आप जिस तरह से भी खाना खाना चाहे। उसके प्रति बहुत ज्यादा विचार करना है तो अपने हिंदुस्तानियों का ध्यान ही जितने ही खाने पे, ये भी बात है हिंदुस्तानी लोग बहुत ज्यादा खाने पर रात दिन उनका विचार पता नहीं क्यों इतना खाने पर, इतने नखरे खाने में करते हैं कि मैंने कोई देश में इतने नखरे करने वाले लोग नहीं देखे जितने हिंदुस्तान। और हालांकि हम लोग गरीब कहने के लिए, लेकिन जितने नखरे हिंदुस्तानियों के हैं आपको कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे जितने नखरे हम करते हैं। औरत जो है वो भी होशियार है, वो भी अलग अलग खाना बना बना के आदमी की जबान खराब करती है, क्योंकि अच्छा तरीका आदमी को घर बुलाने का उसकी जबान पहले खराब कर दे, जब उसको काबू में कर लिया तब फिर वो दौड़ता फिरता है उस जीप के पीछे। और इस कदर नखरे खाने के मामले में मैं आपसे कि बंगाल में आप जैसे है रोहू फिश खाएंगे, वहाँ रोहू होता नहीं तो रोहू खाएंगे, वही खाएंगे जो होता है। और वो जाता है सेंट्रल इंडिया, एक बार वहाँ रोहू फिश नहीं मिली, मतलब उनके हाथ छोटे छोटे पोखर में मिल जाती तो भूखे मरने लग गए। तो हमारे बम्बई से कुछ लोगों ने बड़ा पैसा वैसा इकट्ठा करके एक पूरा जहाज पे जहाज भेजा, उन्होंने वापस कर दिया कि हम तो सी फिश खाते नहीं, लाटसाई भी देखी और सबके सब वापस आ गए, हम सी फिश हम नहीं खाते। दुनिया में कोई ऐसा नहीं, आप कहीं जाके देखिए कि जो सी फिश नहीं खाता ये फिश खाता है, खाने को बैठो तो वो चाहिए ये चाहिए, इसमें नमक ठीक नहीं उसमें, ये सब नहीं है, ये अपने देश में। और इतने ज़्यादा खाने के हम लोग शौकीन हैं इसकी कोई हद नहीं, इसलिए खाने की तो आप बात ज़रा भूल ही जाइए थोड़ी देर, अभी थोड़ी देर बाद खाने का टाइम आएगा, अभी टाइम आएगा। Beyond the sense perception, or is truth whatever we perceive and whatever we do not perceive? It's correct. This is a very good question. Is truth beyond sense perception? It is, absolutely. Because if we perceive through our senses whatever we perceive,
through our senses is the proof, then we don't have to seek anymore. Whatever we perceive through our senses is what is very apparent, gross, not the subtle. What is behind the gross we cannot perceive. For example, we cannot say how to make an atom. We cannot say how an amoeba is made into a human being. We cannot make one monkey into a human being, can we? Through our perception of the senses. Through our perception of the senses, we cannot do the subtle thing which is behind the gross. So we cannot perceive through the senses. But once you have perceived it, you can feel it through your senses. This is the second point. हो गया आई थिंक लेट अस हैव मेडिटेशन आदि क्या प्रश्न व्हाट वन शैल डू आर फैक्टर नंबर वन फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ हिज माइंड ऑफ नंबर टू फॉर शेडिंग कॉम्प्लेक्स विद इन वन सेल्फ नंबर थ्री फॉर क्रिएटिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस वेरी गुड क्वेश्चन सिट डाउन यू हैव टू जस्ट गेट टू योर आत्मा यू हैव टू बिकम That once happens to you, the first thing that happens actually when the Kundalini rises, when she crosses this Agya Chakra, you get the Vichara Samadhi. You get beyond thoughts. That's first thing that happens. Then how to get your confidence? Atma is your confidence. Because so far you have not known your property. You have not known your wealth. You have not known your beauty, your glory. Only through the eyes of the Atma, when you discover how tremendous you are, you will know it. For example, till this instrument is not connected to the main, it has no meaning, it's zero. It has no value. But once it is connected, it has the value. In the same way, once you are connected with the main, you have your own value. When you know your value, your whole value system changes. And you evaluate it yourself in a different way, that you know you are the spirit. That's how you get your confidence. Now the purification part of it, that also without the light you cannot purify yourself. Whatever purification you do in darkness, one side you may be cleansing, another side you will be dirty. It happens very much in life. See, some people say, I am going to conquer my ego. You cannot conquer it. You are fighting with it. See, it fights with you. And if you try to put down your ego, you get your super ego, means you get a meek person, you become like a cabbage. Either you become this or that. You cannot be in the center. Now with Kundalini, what happens when she raises, comes up here, at this point, when it is awakened, this center, it sucks it on from both the sides, your ego and super ego, both the things. Your conditioning, your sins and everything, and on the other side your ego, both are sucked. Once it is sucked in, immediately, you see what happens, that your sastra rises from this part, fortunately bone area, and the Brahmaranda opens in, and you enter into that subtle awareness. So the so-called karmas and all these things are sucked. After all, who does the karma? Is the ego. Once it is sucked in, there is no ego left. In that egolessness, you become one. So it is a spontaneous, automatic happening as a result of the Kundalini awakening. All these things happen immediately. What was the soul before entering body? What was the soul before entering body? And what happens to it after death? Abhi ye chale puchne. Ye puch rahe hai ki what is the soul before the birth, what is the soul after. Bete, just now you are a human being. Alright? Just now you should not worry about it. Everything you cannot know in every one lecture, can you? So now, don't worry about it. Why worry about the past or the future? Because past is finished. Yeah. You know. Past is finished and the future doesn't exist. So we have to be in the present. Now how to be in the present? Just now if I say pay attention to yourself. Can you pay attention? That's why let the Kundalini rise.
you get your realization, then we'll talk about the past and the future. Just as you get the present. इन्होंने सवाल ये पूछा है कि हमारे he's asked a question that if atma can be realized in this world, then why the Rishi Munis used to go to Himalaya? Nanaka has answered this. काहे रे बन खो जन जाए सदा निवासी सदा अलेप तो हे संग समाई पुष्प मध्य जो बास बसत है मुकुर माही जस छाई तैसे ही हरि बसई निरंतर घट ही खोजो भाई। पंथ में कहते हैं कहे नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई। ये तो पागलपन है, आप हिमालय पे जाना तो कहीं भी जाओ, ये तो पागलों को क्या कोई जरूरत नहीं जाने। दूसरी बात यह कि उनकी शायद मां नहीं रही होगी उनको बताने के लिए कि भैया कहाँ जा रहे हो, वो सकता यही बात एक कह सकती मैं तो क्या भी अच्छा कि हिमालय चले जा रहे। सब प्रकार कर देखे लोगों ने, हो गया अब पालो बस सब हो गया। हिमालय गए आप लोग, बहुत हो आए हिमालय में पिछले जन्म, अब इस जन्म में यही ले ली। तिरी कंदरों में अगर परमात्मा मिलते होते तो फिर क्या कहना था भाई, संसार में रहना सबसे बड़ा यज्ञ है, पलायन करना तो बहुत ही आसान चीज, संसार में रह के गृह कर्म करके और परमात्मा को पाना सबसे अच्छी विधि है, यही सहज होगा। ये जो द्रांधी प्राणायाम है ये करने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात है कि आपकी अगर माँ है तो वो तो नहीं चाहेगी कि अपना बेटा हिमालय जाओ में जाके ठंड में बैठे। अभी यहाँ भी ये लोग जरा ठंड में बैठे तो मेरा जी कुमला गया कि बच्चे बाहर बैठे ठंड में बैठे, तो हिमालय में तो मैं किसी को नहीं जाने दूंगी। आप चाहे तो भी होंगे, और ऋषि मुनि जाते होंगे तो उसको हम क्या करेंगे, हम तुमको नहीं जाने देंगे, बस सीधी बात। कौन से ऋषि गए थे हिमालय, ये तो मुझे नहीं पता कौन गए थे, ऑथेंटिकली कौन से ऋषि गए थे। गर्मी में जाओ हिमालय बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन राजा जनक का किस्सा है श्री रामचंद्र जी के वहां, कि उनको विदेही कहा जाता था, वो तो राजा neither by senses nor by anything, through your atma, because when the spirit is connected, or when the light of the spirit comes into your attention becomes again I say it's not lecturing, becomes collectively conscious, so that you start feeling others through the vibratory awareness, through the chaitanya that is flowing. You feel them on the fingers, and you can see that the chakras are on your fingers, and whether they are hot, cold, or the breeze is coming, accordingly it is decoded in Sahaja Yoga to find out, and you will verify it and you will find exactly that will be happening. Actually Muhammad Sahib has clearly said that at the time of resurrection your hands will speak. The language of hands is a universal language, but the feeling on the hands is universal. But that time, what feeling you get is not through your senses, but through the enlightenment of your centers on your fingers, fingertips. The seven chakras are 5, 6, and 7. Yeah, Kundalini ka sutra hai.
पे देखिएगा, ये सब सवाल आप बेटे धीरे धीरे करो, आप बहुत जल्दी भागे जा रहे हो, अभी फर्स्ट में घुसे है ना, अभी बीए के क्वेश्चन कैसे पूछ रहे। Mm-hmm.